प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। नोटबंदी के बाद पीएम मोदी पहली बार गुजरात पहुंचे। वो वहां से बनासकांठा जिले के दीसा पहुंच गए हैं। मंच पर पहुंचने के बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी यहां किसानों की एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान मंच से पीएम बोले कि वो गुजराती नहीं बोल रहे हैं, ताकि देश को पता चले कि बनासकांठा में क्या हो रहा है। मोदी बोले कि बनासकांठा के किसानों ने प्रगतिशील किसान के रूप में अपनी छवि छोड़ी है। बनासकांठा के लोगों ने रेगिस्तान की धरती को सोना बना दिया है। पीएम ने कहा कि आलू के कारोबार में बनासकांठा का रिकॉर्ड है, जिसे कोई तोड़ नहीं पाया। आने वाले वक्त में बनासकांठा श्वेत क्रांति के साथ साथ स्वीट क्रांति भी करेगा। यहाँ के लोग आने वाले वक्त में चाहे तो शहद के कारोबार को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। श्वेत क्रांति हुई, वहाँ अब स्वीट क्रांति भी होने वाली है, मधु क्रांति। शहद बनास ने डेयरी के दूध की जैसी व्यवस्था की है, किसानों को शहद के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए ट्रेनिंग देना शुरू किया। आज उसके हनी में से पहला पैकेजिंग बना करके उन्होंने मार्केट में रखा है। मेरा पूरा विश्वास है, गुजरात में जो डेयरी का नेटवर्क है और करीब करीब सभी जिलों में डेयरी का नेटवर्क है, किसानों की समितियां बनी हुई है, दूध के साथ साथ खेतों में अगर मधुमक्खी पालन भी किसान पकड़ ले, तो जैसे दूध भरने जाते हैं वैसे मधु भरने जाएंगे, मध भरने जाएंगे, शहद हनी ले जाएंगे, और डेयरी की गाड़ियों में दूध भी जाएगा, शहद भी जाएगा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट, अतिरिक्त कमाई का एक नया रास्ता। गुजरात के सभी डेयरी, सभी किसान इस रास्ते पर चल करके इस श्वेत क्रांति के साथ साथ स्वीट क्रांति को भी ला सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। नोटबंदी का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि पहले छोटे नोटों को कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। छोटे नोटों की कीमत बढ़ाने के लिए नोटबंदी का ऐलान किया गया। साथ ही मोदी ने कहा कि आतंकवादियों को ताकत देता है जाली नोट। सीमा पार क्या हो रहा है सब जानते हैं। आतंकवादियों को जहां से ताकत मिलती थी, उन रास्तों को रोकने में सफल हुए। ये जाली नोट का कारोबार, उसका मृत्युदंड एक निर्णय से किया है भाई। भ्रष्टाचार, काला धन, ये भ्रष्टाचार और काले धन में पीड़ा किसको होती थी? किसी बेईमान को न भ्रष्टाचार से परेशानी थी, न काले धन से परेशानी थी। एक भ्रष्टाचारी को दूसरे भ्रष्टाचारी को कुछ देना भी पड़ता था तो भी देने वाला भ्रष्टाचारी दुखी नहीं था। अगर दुखी कोई था तो इस देश का ईमानदार नागरिक दुखी था। मेरे ईमानदार देश के नागरिकों ने लाखों भड़काने के बावजूद भी सरकार के इस निर्णय का साथ दिया है। मैं 125 करोड़ देशवासियों को सत सत नमन करता हूं कि इतना बड़े काम में उन्होंने मेरी मदद। पीएम ने आगे कहा कि उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा, इसलिए वो जनसभा में बोलते हैं, लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा वो जरूर बोलेंगे। 100 की नोट की कोई कीमत थी क्या? 50 की नोट की कोई कीमत थी क्या? 20 की नोट की कोई कीमत थी क्या? छोटे को कोई पूछता था क्या? हर कोई बड़ों को पूछता था। 1500 आज तारीख के बाद देश देखिए 100 का मूल्य कैसा पड़ गया, किसकी ताकत बढ़ गई, उसकी जान आ गई। छोटे लोगों की ताकत बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा फैसला मैंने किया। मेरी लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवादियों को ताकत मिलती है जाली नोट से, और हम तो सीमा पार क्या हो रहा है सब जानते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। 70 साल तक इन ईमानदार लोगों को, 70 साल तक इन ईमानदार लोगों को आपने लूटा, आपने परेशान किया, उसको जीवन मुश्किल कर दिया। आज मैं
जब ईमानदारों के साथ खड़ा हूं तब ईमानदारों को भड़काया जा रहा है और मुझे खुशी है। मेरे ईमानदार देश के नागरिकों ने लाखों भड़काने के बावजूद भी सरकार के इस निर्णय का साथ दिया है। मैं 700 करोड़ देशवासियों को सत सत नमन करता हूं। बैंक वाले जेल में जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे लेकर के भागे हुए लोग जेल जा रहे हैं, चारों तरफ उनको लगा था कि ठीक है मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। ये सबके सब पकड़े जाने वाले, कोई बचने वाला नहीं है। 2 महीना 3 महीना 6 महीना जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है। आपको बता दें कि पीएम दिशा में एक सहकारी दुग्ध डेयरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसके अलावा डेयरी कंपनी अमूल की 350 करोड़ रुपए की लागत से बनी एक चीज फैक्ट्री का भी उद्घाटन उन्होंने किया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।